हैदराबाद में हुए प्रियंका रेड्डी हत्याकांड से पूरा देश प्रभावित है। पूरे देश में जगह जगह पर मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के स्कूल की छात्राओं ने स्कूल से बाहर निकलकर गली गली जाकर मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने समाज के सामने संदेश दिया है कि ऐसे जुर्म के खिलाफ आगे आए। इस प्रदर्शन में स्कूल की छात्राओं के साथ स्कूल की अध्यापिका भी मौजूद रही। इनकी मांग है कि ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई हो और फांसी की सजा हो, तभी जाकर लोग डरेंगे, वरना ऐसी घटनाएं रुकेगी नहीं। ये विद्यार्थी सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर दिल्ली के कृष्णानगर एरिया के गली गली में निकले और विरोध जताया और समाज को भी संदेश दिया कि ऐसे जुर्म के खिलाफ सभी एकजुट हो। छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बीच सड़क पे उन्हें सबके सामने मारते हुए लेके जाना चाहिए और फांसी देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? जैसे उनका फांसी देनी चाहिए तो फांसी ही देनी चाहिए, वो कुछ अपॉलजी के लायक ही नहीं है जिन्होंने ये काम किया। आप क्या कहना चाहते हो? मैं यह कहना चाहूंगा, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़के नहीं रोते, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि लड़के नहीं रुलाते, तो प्लीज इसे बंद करिए। क्यों सिर्फ ये सब लड़कियों के साथ होता है? क्यों हमारी लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं हमें ये पूछना पड़ता है कि वो घर कब आएंगी? मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहती हूँ हमारी सोसाइटी से, हमारी गवर्नमेंट से, कि हमारी इन बच्चियों को सेफ्टी प्रदान करें, वरना माओ को इतनी राइट्स दे कि उनको रिवॉल्वर दी जाए और बच्चा अपनी सिक्योरिटी खुद ले सके। और इन रेपिस्ट को मैं कहती हूँ कि फांसी दी जाए और खुले आम फांसी दी जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जुझारू व्यक्ति रवि अरोड़ा भी वहाँ पर मौजूद रहे। उनकी मांग यही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। माँ बाप दहशत में है, घर से लड़कियाँ निकलती हैं, माँ बाप को विश्वास नहीं हो पाता वो घर वापिस आएंगी या नहीं आएंगी। प्रियंका रेड्डी के मामले में भी उसने फोन करके बताया था, लास्ट लोकेशन बताई थी कि मैं इस लास्ट लोकेशन यहाँ पे हूँ। पुलिस पहुंचती है, सब कुछ पहुंचता है, तब तक उसकी हत्या कर दी जाती है, दूर एरिया में जाकर उसको जला दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को भी जला दिया जाता है लोगों के सामने, लाल किले के ऊपर खड़ा करके? ये इन बच्चों की डिमांड है और सभी बच्चे यही चाहते, पूरा देश ये चाहता है। मैं आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि नारी का सम्मान जो है वो देश का अभिमान है। अगर देश ही हमारा इतना नीचे गिर जाएगा और नारियों को सुरक्षा नहीं देगा तो हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे जीडीपी बढ़ाने से काम नहीं चलता सर। सीधा सीधा नारी को सम्मान दीजिए जो आपकी पूरा आधार है सृष्टि का। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।